हेलो मेरे दोस्त। तो आज हम फिर से एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जो कि सिंपल वन साइड हेयर कटिंग है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग कुछ सीखें, और आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो नंबर क्लिप का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में कहीं भी कि मत कीजिएगा, और जहाँ से हम बता रहे हैं वहाँ तक आप लोगों को कटिंग करना है। और इस तरीके के गोलाई आपको चारों साइड से करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हैं पूरे कटिंग देखना, और कहीं पे आप लोग स्किप मत करना ताकि हर एक स्टेप आप लोग सीख सकें और समझ सकें। तो इसमें हम सबसे आसान तरीक़ा से बताने का प्रयास किए हैं ताकि आप लोग कुछ सीखें और समझें ताकि अच्छा काम करें। तो आप लोग पूरे जुड़े रहें। आज इतना भी हाफ कर रहे हैं, दोनों साइड से सेम ही कटिंग करना है, और उसका स्लोप हम बताएंगे आप लोग किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देख लें, यही कोना रहेगा जो कि जैसे है उतना ही लेना है जितना कि उस साइड लिए थे हम। तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें और कहीं भी स्किप मत करें, नहीं तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। और सिंपल कटिंग है ये, आपको ऑफिस स्कूल कहीं भी कटिंग ये चल सकता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और यहाँ पे लाइनिंग आप लोग एकदम पूरा स्ट्रेट सीधा होना चाहिए जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। तो आप लोग देख लें, एक भी बाल इधर उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहीं से आप लोग का कटिंग स्टार्ट होता है और कटिंग करने का स्टेप। तो आप लोग ये फर्स्ट स्टेप एक तरह से हो गया। यहाँ पर कंघी और कैंची पर ध्यान दें आप लोग, और जैसे खड़ा हम कटिंग कंघी कर रहे हैं इस तरीके से आपको करना है ताकि स्लोप हो सके। तो इसी तरीके से आपको आगे मिलाते चले जाना है। और दूसरी साइड जो है तो उस साइड आपका इस साइड तो वन साइड हो गया कटिंग, इस साइड ये चलेगा मगर दूसरी साइड अलग बनेगा। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखते हुए कटिंग करना है आपको, और कहीं भी आप लोग गलती नहीं करें और पूरे देखें वीडियो ताकि सीखें। अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे तो वास्तविक है कस्टमर आप लोग के पास आएंगे और सीखेंगे कुछ देखेंगे। और आप लोग कटवाने वाले में से हो तो वीडियो देखना आप लोगों को भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी कोई नाई अगर गलत स्टेप चलता है तो आप लोग वहां पे बता सकते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से आप लोग वहां पे कटिंग कटवा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोगों को सीखें कुछ समझें, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। और यहाँ पर जैसे हम काटे हैं गोलाई इसी तरीके से पूरे करना है आपको। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना ताकि आप लोग को कभी भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोग पास जाएं और आप लोग देखें सीखें। और आप लोग कोई दूसरा वीडियो चाहिए कटिंग का तो आप लोग बोल कमेंट कर सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द डालें। और यहाँ पे देख लें जैसे कि अभी हम किए हैं तो इस तरीके से हाफ इंच के अंदर ही मिलाना है आपको बाल को। तो इस तरीके से मिला लें, और उसके बाद गोलाई यहाँ पे जो कलम होता है उसको गोलाई कैसे करना है वो भी आप लोग देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो छूटा हुआ है पहले इसको कटिंग कर देते हैं, उसके बाद हम फिर बताते हैं आपको। वीडियो पूरा देखना क्योंकि इस कटिंग कोई लाइनिंग भी नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो है जो बाल जो जा रहा है राउंडिंग की गोलाई, तो वहाँ पर उससे आप पकड़ें जहाँ पर कि बाल नहीं थोड़ा कम दिख रहा है, और हल्का ही लें। पूरा गोलाई हो चुका है, और राउंडिंग में आप लोग यहाँ पे खास करके हल्का ही ले गोलाई पूरे कर लें यहाँ पे एकदम हल्का सा ही। उसका दूसरी साइड से जब कान के दूसरी साइड से लेंगे तो आप लोग हल्का लें, और जो हम पहले काटे हैं जो कट दिए हुए हैं वहाँ पे जाके आपको मिक्स करना है, उसको ध्यान रखते हुए कि ऊपर नीचे नहीं हो ताकि वहाँ पूरे अच्छी तरह से गोलाई होना चाहिए। दिल्ली उसमें मिल गया है, गोलाई भी पूरे हो चुका है। तो इसी प्रकार से दूसरी साइड भी सेम करना है। तो आप लोग ध्यान दें, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप लोग को दूसरा वीडियो मिल सके देखने को और सीखने को। और आप लोग कोई भी कटिंग हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम ज़रूर डालेंगे, जल्द से जल्द डालेंगे। यहाँ देख लें दाढ़ी, यहाँ बाल कम है तो इसी अनुकूल यहाँ पर गोलाई करना है आपको। आप यहाँ पर देख लेंगे अस्तूरा किस तरीके से चलाते हैं,
और ये जो बाल नहीं मिला है इसको भी बाल मिलाना है स्लोप में। तो यहाँ पर अस्तूर आप लोग तिरछा का चलाएँ एकदम हल्का हाथ से, क्योंकि देखें यहाँ पे पानी भी का भी हम प्रयोग नहीं किए हैं, कोई दर्द भी नहीं होता है खास। तो आप लोग इस तरीके से चलाएँगे अस्तूरा तो आप लोग को इतना दिक्कत नहीं होगा। खास करके आप लोग पीछे जो राउंडिंग करते हैं तो वहाँ पर आप लोग ध्यान देना, तो आप लोग पीछे ध्यान देना क्योंकि पीछे में हम कैंची का भी प्रयोग नहीं किए हैं, वहाँ पर डायरेक्ट बलेट से करेंगे अस्तूरा से। तो वहाँ पर देखना किस तरीके से हम कर रहे हैं और कितना हल्का हाथ से कर रहे हैं। तो आप लोग पानी का भी सेविंग कर सकते हैं वहाँ पे, जिसे हम देख लें पहले जो फिंगर जो अंगूठा है उससे आपको नीचे की ओर प्रेस करना है, उसके बाद अस्तूरा चलाना है आपको स्लोप में एकदम हल्का हाथ से। कोई कैंची से पहले हम दागी भी नहीं दिए हुए थे, तो आप लोग काम पे फोकस डालें तो आप लोग आराम से सीख जाएंगे। दूसरी साइड भी ध्यान दें, यहाँ पहले एक छोर यहाँ इस तरीके से कर लेंगे और उसके बाद गोलाई करेंगे, दो स्टेप हैं। जो बचता है उसको फिर आप रिमूव कर सकते हैं थोड़ा से, और उसके बाद अब रह गई बाल ऊपर का जो कटिंग है उसको कैसे कटें हैं, जो कि क्योंकि इनका बाल थोड़ा सा उल्टा साइड है, अपने लोग बाएँ की ओर से दाएँ और छोड़ते हैं, ये इनका अलग ही कटिंग है जो कि ये दाएँ साइड से बाएँ की ओर छोड़ते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे पानी हम इसलिए मार देते हैं कि बाल उड़े नहीं, आँख में नहीं पड़े, इसलिए हम पानी मारते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लें कि स्लोप किस तरीके से करना है, दूसरी साइड जो है दाहिनी साइड हमको कैसे मिलाना है इसको, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। फिंगर पे आप लोग खास करके फिंगर पे ध्यान देना, किस तरीके से हम उठा रहे हैं आप लोग ध्यान देना। पहले इस तरीके सीधा कर देंगे ताकि बाल उठाने में कोई तरह का दिक्कत ना हो, और यहाँ पे फिंगर पे देखना ध्यान किस तरीके से है। देख रहे हैं कि नीचे जो है बाल नहीं है, इस तरीके स्लोप पूरे स्लोप होना चाहिए, इस साइड तब आपका मिला हुआ पता चलेगा कि मिला हुआ बाल है। और जो हम काट चुके हैं पहले उसके अनुकूल अब मिलाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान खास कर देने दिया रखें, देखिए यहाँ पे जो काट चुके हैं इसके अनुकूल दूसरे बाल को मिला रहे हैं। इसके बाद जो स्टेप है उसको हमको सीधा बाल काटना है, क्योंकि जैसे कि पहले ऊपर जो हम बाल काटे हुए हैं पहले जो वीडियो में बताए थे सेम उसी तरीके से प्रयास करना है। अब यहाँ पर जो है ये हो गया आपका, अब यहाँ पर दूसरा स्टेप है, क्योंकि देख लें बाल यहाँ पे तिरछा करके काट रहे थे ना, अब सीधा काटना है पूरे स्ट्रेट में बाल। देखें अब जो बचा है इसको गोलाई करना है, पूरी तरह से नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से पहले बाल को छोड़ लेंगे, जहाँ तक लंबाई रखना चाहते हैं वहाँ तक आप करके, उसके बाद देख लें यहाँ कटिंग कर दिए हैं, आज जो बच जा रहा है उसको गोलाई किस तरीके से करना है आप लोग देख लें। गोलाई हो चुका है, बाल भी मिल चुका है आपका फिनिश, और फाइनल कटिंग आप देख लें दोनों साइड का सिंपल और वन साइड दोनों हैं। बाल में कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार कर सकें। और सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा, ताकि आप लोग दूसरा वीडियो मिले देखने को सीखने को। सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन साथ में।